हेलो एवरीवन, कुकिंग तड़का विद पूजा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। ये एक स्वीट डिश है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। खाने के बाद हमें कुछ ठंडा मीठा खाने का मन करता है, तो आप इसे बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। शुरू करने से पहले अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए कटे हुए फ्रूट्स। यहाँ पे हमने ले लिया है अनारदाना, ऑरेंज, ग्रीन अंगूर, और हमने लिया है ब्लैक अंगूर, और हमने एप्पल को कट करके ले लिया है, और यहाँ पे हमने बनाना को कट करके ले लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर लेंगे। आधा लीटर हमने दूध लिया है, और ये हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। सबसे पहले हम एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें हम डाल देंगे आधा लीटर दूध। दूध को हमें यहाँ पे अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करना है। दूध के गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसे मिक्स कर लेते हैं और दूध को अच्छे से बॉईल करते हैं। यहाँ पे जब तक यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम कस्टर्ड पाउडर को घोल के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे 2 चम्मच, इसे एक प्याले में डाल देंगे और ठंडा दूध लेकर हमें इसे घोल के तैयार कर लेना है। हमें ठंडा दूध से ही इसे घोलना है। अगर आप गर्म दूध से घोलेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसमें बिल्कुल लम्स नहीं रहना चाहिए। देखिए इस तरह से घोल के तैयार कर लें। इधर हमने दूध को भी अच्छे से गर्म कर लिया 5 से 7 मिनट तक। अब हमें यहाँ पे कस्टर्ड को थोड़ा थोड़ा डालकर दूध में घोलते जाना है, इस तरह से देखिए। बस इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे चलाते रहें। यहाँ पे हमें लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेना है। थोड़ी देर में ये गाढ़ी होने लगेगी। आप बिल्कुल कढ़ाई के तले से इसे चलाएं, ये बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। अगर ये थोड़ा भी चिपक जाएगा कढ़ाई में तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। हमने इसे 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमें इतना गाढ़ा रखना है इसे। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे एक निकाल लेंगे मिक्सिंग बाउल में। यहाँ पे हम इसे निकाल लेते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसे थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हमें इसमें डालना है कटे हुए फ्रूट्स, जो हमने कट करके रखे हैं फ्रूट। A few moments later. ये ठंडा हो गया, अब इसमें हमें डाल देना है कटे हुए फ्रूट्स। यहाँ पे हम सारे फ्रूट्स को एक एक करके डाल देंगे। फ्रूट्स आप अपने मन पसंद के कोई भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है वो डालें, जो नहीं पसंद है उसे स्किप कर दें। और इसमें हम डालने वाले हैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स, तो यहाँ पे हमने डाल दिया काजू और थोड़ा सा किशमिश, ये ऑप्शनल है। इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे यहाँ पे। अब हमें इसे फ्रिज में रख देना है 2 घंटे के लिए। 2 hours later. 2 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज से निकाल लिया। कस्टर्ड को हमें ठंडा होने के बाद ही सर्व करना है। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ये। अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये खाने में। थोड़ा सा मैं यहाँ पे गार्निश कर लेती हूँ पिस्ता से, ताकि ये और खूबसूरत दिखे। ये हमारा बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार है। आप इसे जरूर से ट्राई करिए, बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।